रणभूमि के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो रणभूमि के अंदर क्या होने वाला है उसकी स्ट्रैटेजी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 7 से 8 सवाल का मतलब हो गया 8 चौके 32 नंबर आपने छोड़ दिए, यानी पिछले 16 साल से हर रोज वो घर के बर्तन धुल रही हैं, जो कि बहुत आनंद देने वाला काम नहीं है। जो भी चीज़ शुरुआत में आपको विष जैसी लगे, जो भी चीज़ आपको पॉइजन लगे, बाद में वही आपके लिए बेटा अमृत बनती है। देखो, संपूर्ण रूप से यहाँ हम लोग मजे करने तो नहीं आए हैं, पढ़ाई लिखाई में देखो मज़ा हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत मज़ा हो सकता है, पर कभी भी आपको पढ़ाई लिखाई में वो मज़ा नहीं मिलेगा जो मज़ा आपको सोशल मीडिया पर मिल जाता है, इंस्टाग्राम पर मिल जाता है, दोस्तों के साथ घूमने में मिल जाता है, वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है, देखिए, आपका मन, हमारा मन जो होता है ना बहुत चंचल होता है, इसको वो चीज़ चाहिए होती है जिससे आपको तुरंत खुशी मिल जाए, इंस्टेंट प्लेजर कहाँ है वो ढूंढता रहता है मन। अब ये चीज़ जो है ये आपको शुरू में कैसी लग रही है, विश जैसी लग रही है, और आप देखो जो भी चीज़ शुरुआत में आपको विश जैसी लगे, जो भी चीज़ आपको पॉइजन लगे, बाद में वही आपके लिए बेटा अमृत बनती है। दैट विच सीम्स लाइक पॉइजन इन द बिगिनिंग बिकम्स नेक्टर इन द एंड। खुशी किस दिन होगी? खुशी आपको सबसे ज्यादा उस दिन होगी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे, उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होगी। जिस दिन आप पेपर देके आओगे और आपको अच्छा लगेगा पेपर देने में, मज़ा आएगा पेपर देने में। टेस्ट से हम लोग को डर क्यों लगता है? क्योंकि हम तैयारी नहीं करते। उन बच्चों से पूछिए जो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, उनको मज़ा आता है टेस्ट देने में, खुशी होती है, कॉम्पिटिशन की फीलिंग होती है टेस्ट के वक्त। वो कब आएगी? जब आप तैयारी करेंगे। बाप ने बड़ा आसान आंसर दे दिया कि IOC इसलिए नहीं पढ़ते हैं भाई क्योंकि IOC हमें बोरिंग लगता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछता हूँ यहाँ पे, कभी घर के बर्तन धोए हैं आपने? कभी अपने घर के बर्तन धोए हैं? कभी भी? कभी ढेर सारे बर्तन सिंक में रखे हो आपने जाके धोए हैं? बहुत सारे बर्तन हो, एक दो प्लेट धोने में की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे बर्तन हो, धोना शुरू करिए। एक प्लेट धोएंगे, दो प्लेट धोएंगे, फिर वो चाय वाला पतीला धोने में पूरा पसीना निकल जाता है। फिर अगर कुकर आ गया और कुकर का ढक्कन, अपनी माता जी से आ जाके पूछिए, कुकर का ढक्कन साफ करने में जान निकल जाती है। ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं? अब आप सोचिए कि आपकी जो माता श्री हैं वो रोज़ बर्तन धो रही हैं घर के, क्या उनको बहुत आनंद आ रहा होगा इस चीज़ में? नहीं, उनको आनंद आता है इसके रिजल्ट से। जब वो बर्तन धुल जाता है उसमें फिर से वो पकवान पकाती हैं और आपको खिलाती हैं और आप खुश हो जाते हो और उनको लगता है मेरे बेटे का पेट भर गया, तब उन्हें खुशी होती है। पर वो जो खुशी उन्हें हासिल करनी थी, अपने बेटे का पेट भरने का, अपने बेटे के चेहरे पर एक स्माइल लाने का, अपने बेटे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का, उसके लिए बर्तन धोना ही पड़ेगा। हो सकता हो आज आप 10 मिनट एक दो बर्तन धो लो तो आपको लगे बड़े मज़ेदार चीज़ है, 1 घंटा दो और आप सोचो माता श्री रोज़ बर्तन धुल रही हैं, सालों साल से धुल रही हैं। आप कितने साल के हो गए हो? 16-17 साल के हो गए होगे। अब आप सोचो जब से आप पैदा हुए तब से तो आप देख ही रहे हो माता श्री घर के बर्तन धुलते हुए, यानी पिछले 16 साल से हर रोज़ वो घर के बर्तन धुल रही हैं, जो कि बहुत आनंद देने वाला काम नहीं है, पीड़ा देने वाला है, कष्ट देना है, हाथ घिस जाते हैं, हाथ छिल जाता है कई बार, है ना, साबुन की वजह से, साबुन के अंदर एल्कली नेचर होता है, उससे हाथ में रैशेस पड़ जाते हैं, पर वो कर रही हैं किचन में वही पसीने में, पूरा गंदा खाना, जूठा बर्तन रखा है उसको धुल रही हैं। क्या उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग काम होगा? नहीं, बोरिंग काम होगा। पर मम्मी से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। पर उनको वो करने में क्यों मज़ा आ रहा है? इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि उनको पता है कि ये बर्तन धुल जाएंगे, इसमें फिर से अपने बच्चे के लिए खिचड़ी बनाऊंगी, दाल चावल बनाऊंगी, वो खाएगा, उसको बड़ा आनंद आएगा। इसी तरह से बेटा, हो सकता हो पढ़ाई करते वक्त कुछ चीज़ें थोड़ी बोरिंग रह जाएं। यहाँ देखो PW में या कहीं भी, शिक्षक जो भी होता है हमेशा कोशिश करता है कि टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना दें, है ना, उसके अंदर याद करने की कुछ टेक्निक्स बता दें, कुछ तरीके बता दें, बच्चों को कुछ बढ़िया मज़ेदार पढ़ा दें। पर अंत में देखो, पढ़ाई कभी भी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है जितना आपको इंस्टाग्राम की वो रील्स लगती हैं। और इसका सीधा आंसर ये है, क्योंकि पढ़ाई करने से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ समय बाद मिलता है। तो बहुत से काम ऐसे हैं जो बोरिंग है। कभी अपने पिताजी से बोलिएगा कि पापा आपको ऑफिस में मज़ा आता है? हो सकता हो हफ्ते में 2 दिन मज़ा आता हो, पर 5 दिन तो वही काम है ना, और उन्हें वो काम करना है क्योंकि वो उनका कर्म है, वो उनका कर्तव्य है। जाहिर सी बात है कि काम को रोज करोगे वो बोरिंग लगने लगेगा एक समय के बाद। पर क्या करते हैं वो, क्या ऑफिस छोड़ देते हैं? वो नहीं, वो ऑफिस में काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिस में पूरे समय बोर होते होंगे, बहुत से समय ऐसा होता होगा जिसको एंजॉय करते होंगे, पर हमेशा कुछ समय ऐसा होता होगा जिसमें वो बोर भी होते होंगे, तो उस टाइम उसको वो छोड़ थोड़ी देते हैं, वो काम भी वो करते रहते हैं। पापा लव, मम्मी लव, एकदम सही बात है, एंड यू आर बेटा लव ऑल्सो, आप भी बहुत प्यारे हो,
छोटी छोटी इस तरह की आप जो ये बदमाशी करते हो, ये जो शैतानी आप कर रहे हो, है ना, ये शैतानी जो चगा कर रहे हो तुम लोग कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, कितना रटने वाला है, कितना पढ़े, बोरिंग है, फिर क्या होगा, फिर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाएगा। और आपको पता है देखो, नीट का पेपर ऐसा नहीं है कि आप कुछ टॉपिक छोड़ के चले जाओ और सेलेक्ट हो जाओगे, ना ही अब जेई मेंस ऐसा बचा है। अब तो भाई पेपर ही यही चेक कर रहा है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के आए हो कि नहीं, और कितनी स्पीड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपके बेसिक कितने हैं, बस इतना ही देख रहा है। बहुत इन डेप्थ नॉलेज तो नीट आपकी चेक ही नहीं कर रहा है। उसमें आप सोचोगे कि मैं पूरी फिजिक्स पढ़ के चला जाता हूँ, अच्छे से फिजिक्स करके चला जाता हूँ, तो भाई फिजिक्स वाला पार्ट शॉर्ट हो गया। आपने कहा बायो कर लेते हैं, बायो शॉर्ट, पर केमिस्ट्री में अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं की बेटा, तो आप मान के चलो कम से कम आपके 7 से 8 सवाल तो सीधे सीधे चले जाएंगे जो एकदम प्योर यहीं से आए होंगे। बाकी तो कुछ ऐसे होंगे उसमें ऑर्गेनिक का कुछ पोर्शन मिला होगा, किसी में थोड़ा सा फिजिकल मिला के दे देता है, पर 7 से 8 सवाल तो आपने वहीं के वहीं छोड़ दिए। और 7 से 8 सवाल का मतलब हो गया 8 चौके 32 नंबर आपने छोड़ दिए। अब आपको पता है इस टाइम नीट का पेपर बहुत हाई स्कोरिंग चल रहा है और 32 नंबर आप पूरी तरह से छोड़ के जा रहे हो। और ये नंबर भी बेटा गिफ्टेड है। इनऑर्गेनिक का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, इनऑर्गेनिक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पहले कोई चीज आती हो ना आती हो, ये पढ़ के काम बन जाएगा। और पेपर में सबसे ज्यादा समय बचाती है। आपको पता है नीट का पेपर जो होता है वो टाइम टेस्ट होता है, कम समय के अंदर ज्यादा सवाल सॉल्व करने हैं, समय की परीक्षा हो रही है, वहां आपका टाइम टेस्ट हो रहा है। तो ऐसे पेपर में जहां आपका टाइम टेस्ट हो रहा है, आपका वो पोर्शन तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जहां आप टिक मार मार के निकल जाओ बस। भाई फिजिक्स आपकी कितनी भी अच्छी हो जाए बेटा, कितनी भी अच्छी हो जाए, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी कितनी भी अच्छी हो जाए, पेपर में आपको हल करना पड़ेगा सवाल। मैं मान सकता हूं कि 50 में से हो सकता हो, यानी 45 में से हो सकता हो, 20 सवाल आपको हल नहीं करने पड़े, या 15 सवाल हल भी नहीं करने पड़े, आपको पता था इस तरह से आंसर आएगा, या बहुत कम मेहनत करनी पड़े। कितना समय लगा उसमें? बहुत कम लगा, 1 मिनट लगा, 45 सेकंड लगा। इसमें कितना समय लगेगा? इसमें आपको पता है कितना समय लगेगा? हर क्वेश्चन पे आपको कितना समय लगने वाला है? 5 सेकंड। क्योंकि यहां बात क्लियर होती है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। फिजिक्स में ऐसा नहीं, वहां आप कोशिश करते रहते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में आप कोशिश करते रहते हो, यहां बात क्लियर है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं। तो इस समय नहीं खाता ये आपका। आप क्या देख रहे हो कि मेरे लिए तैयारी में क्या चीज बोरिंग है, क्या चीज आसान है? हम तैयारी कर किस लिए रहे हैं? हम तैयारी किस लिए कर रहे हैं? नीट के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, रणभूमि के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो रणभूमि के अंदर क्या होने वाला है उसकी स्ट्रैटेजी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि टेस्ट में क्या खेल करना है वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रणभूमि के अंदर हमें पता है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, गिफ्टेड पार्ट है।